अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो आज का व्लॉग है ना, इसका मैं आपको ज़रा बताती हूँ। ये व्लॉग है जी संडे का। ये सारी रूटीन जो है ना, ये मैं आपको संडे की दिखा रही हूँ, लेकिन ये जो वॉइस ओवर है ना, ये संडे नाइट का है। और आप गेस करिए क्या टाइम होगा? ये 2 बजे, रात के 2 बजे का टाइम है, क्योंकि हमारी जो लाइट है ना, वो पूरे 12 बजे चली गई। अच्छा, मुझे था 1 बजे आ जाएगी, अच्छा 1 हुआ, नहीं आई। फिर जी वो टाइम भरता गया, मैंने कहा अभी तो इसने, मतलब 1 घंटे बाद होता है ना कि लाइट आ जाती है अक्सर, लेकिन नहीं आई। तो फिर मुझे लगा चलो मैं ना, मतलब टाइम ज़ाया ना करूँ, मैं वीडियो एडिट कर लूँ वो करके, तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। मुझे था कि अगर लाइट आ गई वॉइस ओवर नहीं करूँगी ना, तो लेकिन नहीं आई। तो फिर मैं टेरेस पे आ गई, और इस टाइम सन्नाटे हैं यहाँ पे, और सामने इतने बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं, अंधेरा है, और सितारे इतने साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं, आसमान बिल्कुल साफ़ सुथरा है ना, और चाँद भी निकला हुआ है। और ये 2 बजे का टाइम है। अगर मेरे पड़ोसी मेरी आवाज़ सुन लें तो वो तो कहेंगे ये तो कोई जिन्नात बोल रहे हैं वो तो डर भी जाएं। तो मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा चलो मैं ना अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अब देखिए मैं मंडे को अपलोड करूँगी या ट्यूसडे को करूँगी, लेकिन ये व्लॉग जो है ना, ये संडे का है। अच्छा जी, संडे को जैसे ना सारे ही घर पे होते हैं, और संडे को मेरा मोस्टली ज़्यादा टाइम जो होता है ना, किचन में होता है, क्योंकि सबकी फरमाइशें चल रही होती हैं, ये बना दे ये बना दे ये बना दे। तो जी फिर वो सैटरडे को डिसाइड हुआ कि क्या बनाना है संडे को, क्योंकि एक दिन पहले थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं। तो फिर सब ने, कुछ ने कहा चिकन कढ़ाई बना लें, कुछ ने कहा पास्ता बना लें, वाइट सॉस पास्ता जो होता है ना, चीज़ डाल के जो बनता है वो वाला ना। तो फिर मैंने कहा चलें फिर दोनों चीज़ें बना लेती हूँ। अच्छा, नाश्ता संडे को आपको पता है 12:30 बज जाते हैं ना, क्योंकि संडे को मैं किसी को नहीं जगाती, मुझे लगता है पूरा वीक सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो बस सोए रहें ना, आराम से नाश्ते हो जाएंगे। तो है जी, नाश्ते के बाद फ़ौरन मैंने तैयारी पकड़ ली खाने की, किचन वगैरह साफ़ किया, क्योंकि संडे को जो हेल्पर होती है वो नहीं आती ना। तो फिर मैंने फटाफट चिकन कढ़ाई बनाई। और अच्छा, चिकन कढ़ाई आप देख रहे हैं कैसे बनी है। तो मैंने ना एंड में क्या किया, इसके ऊपर ना काली मिर्चें और गरम मसाला डाल दिया, और मेरा होममेड गरम मसाला होता है, हमेशा मैं बताती हूँ आपको, और मिर्चें भी मेरी, मैंने आपको बताया घर पे ही पीसती हूँ। और आप ना चिकन कढ़ाई जब बनाए ना, तो आप मेरी टिप यूज़ करें, आप धनिया ना डालें। धनिया से क्या होता है कि सालन थोड़ा काला हो जाता है, मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे लगता है आप थोड़ा पुदीना काट के डाल दिया करें कढ़ाई में, आप यकीन करें इतनी कोई मज़ेदार कढ़ाई बनेगी, इतनी खुशबूदार, एक मतलब बड़ा ही डिफरेंट सा टेस्ट आपको लगेगा ना, ये आप आज़मा के देखिएगा। फिर जी इसके बाद मैंने सलाद चटनी भी बना के रख दी, और फिर इसके बाद ना मैं पास्ता, वाइट सॉस पास्ता जो है ना, उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी। अच्छा, मैं साथ साथ दोनों काम कर रही थी, लेकिन मैंने वीडियो बनाते हुए ना पहले चिकन कढ़ाई की बनाई, मुझे लगा कि मेरे हाजरीन नाजरीन ना ज़रा डिस्टर्ब ना हो जाए कि क्या पक रहा है। तो वो जी मैंने कढ़ाई को दम पे लगाया, और उसके बाद ना मैं चिकन के ना कटिंग स्टार्ट कर दी ना, छोटे छोटे से पीसेस चिकन के किए, बोनलेस चिकन के। तो वही वाइट सॉस पास्ता, आप यकीन करें मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना कोई मज़ेदार पास्ता बनना था, इतना कोई मज़ेदार था कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब हम लोगों ने ना दिन को सिर्फ पास्ता खा लिया, दिन को क्या मतलब 12-1 बजे तो नाश्ता हुआ, उसके बाद कोई 4 बजे तक, 3:30-4 तक ना मेरा सब दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी। अब जी सब ने ना क्या किया, वो पास्ता जो था ना, वो इतनी खुशबुएं उसकी आ रही थी, तो सब ने पास्ता डाल के खा लिया, और चिकन कढ़ाई ना वो पड़ी रही। मुझे था कि चलो चिकन कढ़ाई ना रात को चल जाएगी, लेकिन दिन को ना वो पास्ता सारा सब ने खा लिया ना, तो बड़ा मज़े का बना था। तो आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। तो जी ये सारे मसाले हैं, इसमें लहसुन पाउडर है, गरम मसाला, काली मिर्च, जो कुटी हुई मोटी दड़ा मिर्च होती है वो है, नमक है, लहसुन पाउडर है, काली मिर्च है,
ये हमने ना चिकन के पीसेस को लगा के ना, तो इसको मैंने ना थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और बस मतलब बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है ना। मतलब आप यकीन करें, ये मैंने दोनों चीज़ें ना 1 घंटे में बना ली थी। मेरा ये सारा काम, किचन डन, सब कुछ डन हो गया था मेरा ना। तो फिर ये मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था, और जैसे आप देख रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा भी डार्क कलर इसको नहीं देना, बस नॉर्मल सी हीट पे इसको हमने थोड़े से ऑयल में कुक करना है। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ ना, मैं वो ऊपर जो तरियाँ होती है ना, मैं तरियों वाले खाने नहीं बनाती। मैं ज़रा हेल्दी हेल्दी खाने बनाती हूँ, कि ऑयल कम हो, नमक कम हो, मसाले कम हो, ऑर्गेनिक मसाले हों, घर की चीज़ें हों, मतलब मेरा ना ये रहता है ना। तो फिर जी इसके बाद, अच्छा चिकन तो हो गई फ्राई, अब इसमें हम लोग, हमारी मर्ज़ी है हम इसमें क्या डालते हैं। मेरे घर में ना शिमला मिर्च जो है ना, वो पसंद की जाती है, उसका सालन नहीं खाया जाता, लेकिन चाइनीज़ में या पास्ता स्पैगेटी में ना मेरे घर वाले सारे शौक से ये खा लेते हैं। लेकिन सालन बनाओ ना, जैसे शिमला मिर्च गोश्त कितना मज़े का बनता है, आलू शिमला मिर्च कितने मज़े की बनती है। मतलब मेरी जैसी बंदी को ना टिंडे, शिमला मिर्च, गोभी, कद्दू, ये सब बहुत पसंद है। तो मैं तो बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन मेरे घर में ना नहीं खाया जाता ना। तो फिर ये होता है कि मैं वीक में एक दफ़ा चाइनीज़ बना लेती हूँ, उसमें ये भर भर के सब्ज़ियाँ डाल देती हूँ, एटलीस्ट के मेरे जो मेरी औलाद है ना, उसके अंदर सब्ज़ियाँ भी जाएँ ना। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। चाइनीज़ में आप डाल लें, स्पेगेटी में डाल लें, पिज़्ज़ा बनाएं उसके ऊपर भर भर के डाल लें, तो पता नहीं क्या इनको क्या प्रॉब्लम है, सालन की शक्ल में सब्ज़ी नहीं खाएंगे, लेकिन चाइनीज़ में ये मतलब भर भर के खा लेंगे ना। तो फिर मैं हफ्ते में एक दिन चाइनीज़ का रखती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, जैसे आप चिकन मेरा देख रहे हैं फ्राई हो रहा है। लें जी, लाइट भी आ गई, लाइट भी आ गई इस टाइम पे। वो सारी जो स्ट्रीट लाइट्स है ना, क्योंकि मैं टेरेस पे हूँ ना, तो यहाँ पे ना सारी स्ट्रीट लाइट्स मेरी ऑन हो गई। और ऐसा जैसे ना, क्योंकि हमारे एरिया में ना अभी अभी नई इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, पहले कम थी, अब तो इतनी ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं ना, कि मतलब इस टाइम अगर वो कहते हैं ना, वो सुई भी नीचे गिरे तो वो भी हम ढूंढ सकते हैं। माशाल्लाह से इतना रोशन हुआ है। कभी मैं आपको ना रात का व्यू ना वो ज़रूर चेक कराऊंगी, किसी वीडियो में ना, कोई व्लॉग बनाऊंगी, उसमें ना मैं आपको रात का दिखाऊंगी। तो जैसे पहले बहुत बड़े बड़े दरख्त होते थे ना, उसकी वजह से भी मतलब इतनी रोशनी नहीं लगती थी, अब इतनी है कि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ना कुछ भी गिरे आप आराम से ढूंढ सकते हैं। तो जी हमारी लाइट आ गई है, शुक्र है। इतनी गर्मी थी तो टेरेस पे, फिर ज़रा मतलब मज़े का मौसम है। तो अभी मैं अपना वॉइस ओवर कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं जाके सो जाऊँगी। अच्छा जी, तो जैसे वो आपने देखा था चिकन फ्राई हो रहा था, और ये मेरी वाइट सॉस है। बटर में मैंने थोड़ा सा मैदे को हल्का सा भून लिया था, और उसमें फिर वही मैंने मिल्क डाला। अच्छा, मिल्क डाल के ना आप इसको मिक्स मिक्स करेंगे। अच्छा, कभी आपके होता है ना लम्स बन जाते हैं जो वाइट सॉस, तो आप पता है क्या क्या करें, जो आपका जग होता है ना जिसमें आप शेक बनाते हैं, मिल्क शेक, आप उसमें डालें और उसको ब्लेंड करें, ब्लेंड करें, और वो आपकी जितनी भी गुठलियाँ हैं ना, वो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएंगी। तो ये मेरी टिप, आपको कभी मतलब हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर मैंने नमक, काली मिर्च, जो इसके मसाले होते हैं, थाइम वगैरह, वो सब कुछ डाल के, तो ये देखें अब ये ना हल्की हल्की गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसके बीच में आप चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ के साथ बहुत ही यम सॉस बनती है। मैंने इसके बीच में ना चीज़ के स्लाइस भी डाले थे, तो बहुत मज़ेदार ये बनती है। मेरे घर पे तो ये मेरी जो है ना वाइट सॉस, ये तो बहुत ही पसंद करते हैं ना। लज़ानिया बनाऊँ तो भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। लज़ानिया में भी मैं सॉस के अंदर ही मिक्स कर लेती हूँ, ऊपर मतलब इतनी डालूँ ना डालूँ, मतलब सॉस में ही डाल देती हूँ, क्योंकि वो फ़्लेवर इतना कोई मज़ेदार हो जाता है ना। आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रीम नहीं डालती, तो मतलब मैं इस तरह से बनाती हूँ। फिर जी ये वाला पास्ता मैं बॉईल कर रही थी, इसको सिंपल मैंने ना थोड़ा सा नमक डाल दिया था, नमक डाल के बॉईल किया था। अगर आप वैसे अगर बॉईल करते हैं ना, वो बड़ा फीका फीका सा लगता है ना उसका टेस्ट, तो कोशिश किया करिए थोड़ा सा नमक डाल के ना इसको बॉईल करके, फिर इसको ना
ऐसे पानी, ठंडा पानी जो टैप वाटर होता है नलके का पानी, वो उसके बीच में ना रख के इसको अच्छे से ना वॉश कर लिया करें, फिर ये स्टिकी नहीं होता। थोड़ा सा फिर हल्का सा ऑयल लगा लिया करें, फिर ये बिल्कुल स्टिकी नहीं होता, चिपकता नहीं, है ना। ये देखिए जी, ये मैं चीज़ के स्लाइस इसमें डाल रही हूँ। ये तब डालना है आपने जब आपकी सॉस बिल्कुल वाइट सॉस आपकी बिल्कुल डन हो चुकी होगी, मतलब और गर्म होगी। तो बस इसी के बीच में आप इसको मिक्स मिक्स करें, 2 मिनट में ना ये इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगी ना, तो ये आपकी इतनी क्रीमी सॉस बन जाएगी। ये आप वैसे भी बना के बच्चों को दें, ये मतलब हेल्दी होती है क्योंकि इसमें मिल्क भी होता है। तो जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं ना, उन जिनकी एज होती है, उनके उनके लिए बड़ा हेल्दी है ना। तो जी ये मेरी सॉस हो गई, और पास्ता भी मेरा बॉयल हो गया, और चिकन भी मेरा डन हो गया था। तो ये देखें जी, सॉस की आप देखें थिकनेस, बस थिकनेस आपने इतनी रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी क्योंकि हमने इसमें पास्ता और चिकन वेजीज ऐड करनी है ना, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा वो जम सा जाता है। तो बस बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना कि वो पानी पानी सा हो ना। तो बस ये देखें इस तरह से, ये मैंने इसमें पास्ता डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे आप ना अपना सॉ जब सब चीज़ें डाल लेंगे ना, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नमक जो है ना वो चेक कर लिया करें, क्योंकि मुझे नमक कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा ना ऐड कर लिया था, वो तो बड़े मज़े से मिक्स हो जाता है। फिर ये जी मैंने शिमला मिर्च और प्याज ये दोनों डाले, और डाल के बस मैंने ज़्यादा शिमला मिर्च को कुक नहीं किया, और मतलब इस तरह मिक्स किया चिकन में और बस इसमें डाल दिया ना। तो क्योंकि वो थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा होता है ना, वेजीज क्रंची सी, वो बड़ी मज़े की लगती है, और सॉस में जाके तो आए है इतनी कोई यम्मी लगती है, इतना मज़े का टेस्ट बनता है इनका। तो ये देखिए जी, ये इतनी कोई मज़े की हो गई थी। और यहाँ पे मैंने ना मुझे मैंने टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था, बिल्कुल हल्का सा, ना भी डालती तो ठीक था, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर लिया था। तो ये देखिए कलर्स भी कितने मज़े के लग रहे हैं, कोई ओवर कुक कुछ भी नहीं है। ये चिकन कढ़ाई देख रहे हैं आप, ये मेरी ये भी रेडी है। अच्छा, ये अब ये जो मैं खाना सर्व कर रही हूँ ना, पास्ता तो हमने दिन को खा लिया था, वो थोड़ा सा ही बचा था, ये अब मैं रात का खाना लगा रही हूँ। रात में मैंने साथ में ना थोड़े से चावल भी बना लिए थे, थोड़े से चावल ना वो भी पका लिए थे, तड़के वाले चावल जो होते हैं ना वो सिंपल से। तो बस संडे को होता है मुझे कि सब घर पे हैं तो मतलब खाना बहुत अच्छा होना चाहिए संडे को ना, तो ये मैंने थोड़े से चावल बना लिए थे, थोड़ा पास्ता भी रख दिया था जो बच गया था, बस यही बॉल बचा था, बाकी तो सब चट कर गए थे हम लोग दिन को। फिर ये चिकन रात को रखा था, चटनी सैलेड भी रात को, मैं अच्छा रात को भी सैलेड खा लेती हूँ, मुझे पता है ये अच्छा नहीं होता रात को सैलेड खाना, लेकिन मैं फिर भी रात को खाती हूँ। और हमारे घर में कढ़ाई हो, नान ना हो, कैसे हो सकता है। तो फिर नान भी थे, चावल भी थे, और ये जी हमारा रात का खाना था जो हम सब ने बैठ के मज़े से एंजॉय किया था। ये मैं टेबल लगा रही हूँ, और बस मैंने लगा के फिर सबको आवाज़ दी, मतलब आवाज़ देने से पहले मैंने कहा मैं अपना एक क्लिप शूट कर लूँ तो ये फिर मैं अपना एक क्लिप शूट कर लिया, फिर क्योंकि सब बैठे हो ना तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करते ना कैमरा के सामने, तो फिर मैंने ये अपना सीन कर लिया था ऑन। तो खाना बहुत मज़े का था, आप बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।